बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके साथ योगर्ट हेयर मास्क के बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगी कि योगर्ट हमारे बालों के लिए कितनी ही ज़बरदस्त है और ये कैसे कंडीशनर के तौर पर यूज़ की जाती है और आपके बालों को कैसे नरिश करती है और जो आपके बाल जो रफ़ और डैमेज हो जाते हैं तो आपके बालों को रिपेयर करेगा ये हेयर मास्क। और होम रेमेडी है तो आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे लगाना है, सब इसमें बताऊँगी, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है सब मैं बताऊँगी। तो जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो न्यू आने वालों को वेलकम करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। और जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई ब्यूटी टिप्स के हवाले से और ऐसी कुछ रेमेडीज़ के बारे में अगर आपको आगाही चाहिए तो मैं उस किस्म की भी वीडियो बना दूँगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप कोई भी इसी तरह से छोटा सा आपने ना बाउल ले लेना है। और सबसे पहले हम इसमें हमने ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब, मैं इसमें दही ले रही हूँ। और आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये 4 चम्मच आपने ना दही के ले लेने हैं। और इसमें अब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, मैंने इसमें डाला है ये 1 चम्मच के करीब। और अगर आपके पास कोकोनट नहीं ऑयल नहीं है तो फिर आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग है। और इसमें ये मैंने डाला है 1/2 चम्मच, इसमें डाला है शहद हनी, ये भी बालों को बहुत ही ज़बरदस्त और नरिश करता है और आपके बाल बहुत ही सिल्की और शाइनिंग होते हैं। और जो बाल आपके डैमेज हो जाते हैं वो भी आपके इससे रिपेयर होंगे, और जिनके बाल झड़ रहे होते हैं तो उससे भी कंट्रोल होता है। और इसमें ये मैं डाल रही हूँ 1/2, मैंने इसमें लिया है ये लेमन, तो इसको हमने इसमें ऐड कर देना है इसका रस। और फिर हमने इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये अच्छा सा हमारा ये होममेड हमारा ये रेमेडी हमारी रेडी हो चुकी। अब आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है कि जो आपने नहाने से पहले 1/2 घंटा पहले आपने इसको अपने बालों की जड़ों में और इस तरह से अच्छे से आप इसको लगा लें, और 1/2 घंटे बाद या 1 घंटा आप मैक्सिमम कर लें तो फिर आप इसको वॉश कर दें और आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। और इससे आपके बाल भी जब गिरते हैं वो भी गिरना बंद हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।